subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को लेकर एक खबर ये आई थी कि रणवीर शौर्य अपने बेटे के लिए 25 लाख रुपए शो की प्राइज मनी जीतना चाहते हैं। खैर, अब उन्हीं रणवीर शौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है मजदूरी को लेकर। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बाहर आने के बाद अब एक हालिया पॉडकास्ट कम इंटरव्यू में रणवीर ने कहा है उन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 इसलिए किया क्योंकि उनके पास काम नहीं था। एक्टर ने कहा कि वरना बिग बॉस वाले तो उन्हें पिछले 10 साल से संपर्क कर रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में टॉप 5 तक का सफर तय करने में कामयाब रहे कंटेस्टेंट रणवीर ने बातचीत में कहा कि वो लगातार काम की तलाश करते रहे हैं। ये चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं क्योंकि अब उनके पास कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है। लगातार काम मांगने को लेकर महसूस होने वाली असहजता जाहिर करते हुए रणवीर ने कहा कि उन्हें कई बार वैसा काम नहीं मिल पाता है जैसा वो चाहते हैं। रणवीर ने बिग बॉस हाउस में भी इंडस्ट्री में काम ना मिलने को लेकर अपनी तकलीफ खुलकर कही थी। रणवीर ने कहा कि कल को अगर उन्हें काम मिलना पूरी तरह बंद हो जाता है तो वो दूसरी तरह के काम करने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका म्यूज़िक और फिल्म मेकिंग को लेकर प्यार ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन एक्टर ने कहा कि वो इन फील्ड्स में से किसी भी तरह का काम करने में संतुष्ट महसूस करेंगे, भले ही फिर उन्हें लेबर या सेट पर स्पॉट बॉय के तौर पर ही काम क्यों ना करना पड़े। रणवीर ने बताया कि जब उन्हें ट्रैफिक सिग्नल के लिए अवार्ड नहीं मिला तो वो समझ गए कि अब उन्हें नहीं दिया जाएगा। रणवीर ने आगे ये भी कहा कि जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इसे नेगेटिव तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिहाड़ी मजदूर के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा। मेरे पास इन क्षेत्रों में उतना एक्सपीरियंस है कि मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। मुझे अगर स्पॉट बॉय का काम करना पड़ा तो मैं वो भी कर लूँगा। मैं रोज़ी रोटी लायक कमाई कर लूँगा और मुझे इसमें बुरा भी नहीं लगेगा। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे रणवीर के इन बयानों पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।